हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और गाइस आज मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, और इलाहाबाद से जाऊंगा अपने गांव। तो गाइस अभी जो है हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस गांव में जो है मेरे बड़े भैया का लड़का है, मतलब मेरा भतीजा। तो गाइस उसका बर्थडे है और हम वहीं पे जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे आनंद विहार, आनंद विहार से इलाहाबाद, मतलब अब तो प्रयागराज रख दिया है नाम। तो गाइस अभी कपड़ा वपड़ा भी हमने पहन लिया, देख सकते हैं आप। और गाइस निकलेंगे, और बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए अभी ऊपर से जैकेट वगैरह डालूंगा और गाइस निकलेंगे। तो गाइस ट्रेन जो है 8:45 तक की है, और गाइस अभी हम निकलते हैं और काफी लेट भी हो जाएगा क्योंकि गाइस 6 बज गए हैं, तो अभी हम निकलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गली में, देख सकते हैं मनीष है, प्रिया और मैं, और वहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन पे भैया भी मिलेंगे। इतना जाम लगा गाइस, देख सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो गाइस अभी मेट्रो से उतर गए हैं, आनंद विहार पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पहुंच गए गाइस, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं ट्रेन के पास, प्लेटफॉर्म नंबर 5 F1। हेलो, अरे दे दो मुझे मुझे तुम लोग जगह, दिक्कत होगी। सुबह जैसे लगाते हैं, देख सकते हैं। एक सेकंड इधर इधर भैया, केक खाओगे क्या? केक नहीं ले तो गाइस अभी जो है हम उतर गए हैं ट्रेन से, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये है इलाहाबाद स्टेशन प्रयागराज, देख सकते हैं। बना रहा था, उसमें टाइम लग रहा था।
गाइस भैया आ गए हैं लेने के लिए। ये रही हमारी कार, देख सकते हैं आप भैया। ये रही जेंटलमैन आर्मी है। बहुत आवारा लोग घूम रहे थे। अच्छा, तो उसको लगा कि ऐसे सब होंगे। और इसके बाद तीन टिकट था ही, टिकट नाम पूछते हैं बता दिया गया। अगर उसको डाउट हो, अब एक तो इन लोग चद्दर बोल रही है। गाइस अभी हम घर पे पहुंच गए हैं। ये इलाहाबाद वाला घर है। अभी हम जौनपुर भी जाएंगे। तो गाइस अभी जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। आगे हमें छत पे देख सकते हैं आप, छत से कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मनीष और आशीष खड़े हैं, देख सकते हो। ये दोनों बात कर रहे हैं। ज़्यादा इंग्लिश ना छाटो, ऐसे पढ़ा दूंगी तुमसे ज़्यादा इंग्लिश आएगी उसको। वो नहीं है, काना वाला नहीं है ये। अभी हाँ पता है, टिश्यू पेपर है। हाँ वो टिश्यू पेपर यूज़ करने के पानी नहीं आ रहा है। इतना आसान होता काम तो। गाइस अभी ये लोग जा रहे हैं, मैं और दुर्गेश ये जो है बस से जाएंगे। अभी तो फिलहाल इसी में चलेंगे, बस स्टैंड से चल जाएंगे। तो गाइस ये हमारे गांव की फेमस मंदिर है, पहलवान साहब मंदिर। गाइस अभी पहुंच गए हैं घर पे और अभी हम कर रहे हैं दातुन। ब्रश छूट गया था गाइस, तो इसलिए दातुन कर रहे हैं। और दिखाता हूँ आपको घर। तो गाइस ये भी हमारा ही घर है और ये भी अभी नया नया बना है। गाइस ये भी हमारा ही घर है, देख सकते हैं आप। अभी जो है फिलहाल हम इसी में रहते हैं और इसमें जो है खाना वाना बनता है। और इसी गाड़ी से भी हम आते, देखा होगा आपने। और इधर जो है पेड़ पौधे भी लग रखे हैं, देख सकते हैं। तो ये तुलसी का पेड़ है गाइस, ये भी और ये भी और ये नींबू का पेड़ है। गाइस पता नहीं है किसका पेड़ है, मनीष बोल रहा है कि ये जो है नींबू का पेड़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जामुन का पेड़ है। यहाँ पे हम पत्थर फेंकने वाला खेल रहे हैं, कौन कितना दूर फेंक सकता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं प्रिया खड़ी है, मनीष पत्थर ढूंढ रहे हैं। तो गाइस ये अभी मिल गया है पत्थर, अब फेंकेगा इसका, गिर नहीं जाएगा। देख से जितना दूर जाएगा, मैं भी तो वैसा ही लिया हूँ। तुम्हार मैं बना रहा हूँ, देख ये देख। यहाँ पे क्या गाइस देख सकते हैं, बच के रही हो लग सकता है।
गाइस थोड़ा सा हल्का आगे गया है, ठीक है बराबर। तो गाइस हम दोनों का सिमिलर ही था लेकिन थोड़ा सा मेरा आगे था 2-3 इंच, और गाइस मैं जीत गया। तो गाइस ये तिरंगा देख सकते हैं कितना ऊंचा बना रखा है इसको। तो गाइस अभी जो है दातुन वतुन कर लिए हैं, और गाइस यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और बड़ी मम्मी ने बोला है अभी खाना खाने के लिए, तो गाइस अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।